नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। धमकी से परेशान महिला ने लगाया मौत को गले। मृतका की डायरी में मिले 5 लोगों के लिखे नाम। निजी कंपनी में काम करती थी मृतका। केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट चुकी है। आप देख रहे हैं पल पल रेवाड़ी से महेंद्र भारती की विशेष रिपोर्ट। रेवाड़ी जिला के औद्योगिक कस्बा बावल स्थित एक निजी कंपनी में काम करने वाली 26 वर्षीय महिला ने इसी कंपनी में काम करने वाले 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है, जिसका जिक्र उसने अपनी निजी डायरी में किया है और उनके नाम तथा उनके साथ मोबाइल नंबर भी लिखे हैं। आपको बता दें कि मृतका ने इन्हीं 5 आरोपियों को से परेशान होकर के ससुराल में देर रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मृतका बावल की एक निजी कंपनी में काम करती थी। आरोप है कि इसी कंपनी के 5 लोग कई दिनों से उसे उठाकर ले जाने की धमकी दे रहे थे, जिससे परेशान होकर के उसने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। अब परिजनों की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसी और को ऐसा न झेलना पड़े। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल, क्या कहेंगे जो ये फंदा लगाया आपकी बहन ने? इसमें कुछ डायरी मिली थी, उसमें कुछ नाम लिखे हो रहे हैं, फोन नंबर लिखे हो रहे हैं, उसको कुछ बता रहे जाइए गई है। हमें को जो पता लगा है, हमने डायरी पुलिस को हवाले कर दिया। इनको मुजरिमन को सजा मिलनी चाहिए, दोबारा कभी किसी को वो नहीं करें। 5 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, क्या वो डायरी पुलिस ने ले लिया? पुलिस ने ले लिया जी। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं वो, क्या काम करते हैं 5 लोग जो हैं? वो भी उस कोई कंपनी में कर रहे हैं, वो भी उसी कंपनी में ही काम करते हैं, फोन पर धमकी दिया करते थे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चिरंजीत। चिरंजीत, क्या हुआ तुम्हारी पत्नी के साथ, किस कारण से उसने फंदा लगाया? मेरी पत्नी का नाम मेहमती है, उपराधी का, और वो बावल की किसी निजी कंपनी में काम करती थी, जिससे कि सुसाइड नोट उन्होंने मिला है, फांसी खाई थी उन्होंने, और उस पे कुछ लोगों के नाम है, 5 लोगों के, और फोन नंबर भी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी। क्या लिखा है उन 5 लोगों के कारण? उन लोगों के कारण ये लिखे हैं कि उन जो नंबर लिखे हुए हैं, उनको रोज धमकी आती थी फोन पे कि हम तुझे उठा के ले जाएं। और यही उनकी मौत का कारण है? यही उनकी मौत का कारण है, उसी परेशानी की वजह से उन्होंने ये सोसाइटी। कितनी उम्र थी? 26 था। कितने समय से काम कर रही थी ये? 6-7 महीने से। सर, क्या मामला था पूरा जो फंदा लगा? मेमवती है उपराधी का, ये रामपुरा में भी आई थी, दिल्ली की लड़की है, रामपुरा में 10 साल पहले शादी हुई थी। ये कोई निजी कंपनी में बावड़ में कोई एक साइड की बैटरी वेट उसमें काम करती है। तो इन्होंने कुछ कल इन्होंने फांसी का फंदा लगा करके नहीं अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और इसके इसने 4-5 आदमियों के नाम कंपनी में थे, उनके लिफाए हैं, पुलिस जांच कर रही है, उनको मदद कर लिया है। उसी डायरी में सुसाइड नोट में मिला लिखा गया है, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। हाँ जी, और उन्हें उसने मौत का कारण बताया है। हाँ, उसका मौत कारण बताया है। तो अभी शुरुआती जांच में अभी तक कहाँ पहुँची पुलिस? अभी हमें मुकदमा दर्ज कराया है ये। तो किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? 306। थैंक यू।